फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? ठीक है, ये नंबर पे बेस्ड इक्वेशन है जो कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक एप्लीकेशन है। कैसे एप्लीकेशन है? एट लास्ट आप क्या देखेंगे कि इक्वेशन की फॉर्म आएगी, फिर उसको हमको सॉल्व करना होगा, राइट? सो सबसे पहले इसमें देखिए पूछ क्या रहा है, व्हाट इज दैट नंबर। तो हमारा फर्स्ट काम क्या है, जो हमसे पूछ रहे हैं हम उसको एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो लेट्स एज्यूम द नंबर इज, लेट्स एज्यूम द नंबर इज एक्स। हमने नंबर को एज्यूम कर लिया एक्स। नाउ क्या कह रही है हमसे, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अगर इस नंबर में से हम 1/2 को सब्ट्रैक्ट करें, तो लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, और वो नंबर हमने क्या मान लिया है x। तो क्या आएगा देखिए, x माइनस 1/2, सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। आगे बढ़िए, एंड मल्टीप्लाई रिजल्ट बाय 1/2। अब हमारा रिजल्ट क्या आया, x माइनस 1/2, और अब क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई दिस बाय 1/2। तो लेट्स मल्टीप्लाई x माइनस 1/2 चूंकि हमारा रिजल्ट है, बाय 1/2। तो देखिए क्या मिलेगा, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, x माइनस 1/2 से। ठीक है, नाउ अगर हम ऐसा करते हैं, आगे बढ़िए, यू गेट 1/8। जब हमने ये सब प्रोसेस कर लिया तो इसका रिजल्ट हमें किसके इक्वल दे रहा है, 1/8 के। तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1/2, इसका रिजल्ट मतलब इक्वल टू क्या आएगा, 1/8, राइट? सो कैन वी सॉल्व दिस इक्वेशन? यस, 1/2 ब्रैकेट के बाहर है तो x से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। तो लेट्स स्टार्ट, 1/2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। माइनस क्यों आया, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 किसके इक्वल है, 1/8 के। ठीक है, फर्दर ये क्या बन जाएगा, x क्रॉस 1 x, तो दिस इज x बाय 2 माइनस 1 क्रॉस 1 1 एंड 2 क्रॉस 2 4 इज इक्वल टू 1/8, राइट? सो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, x की। तो x के आसपास जो भी होगा हम उसे हटाएंगे, हटाने का तरीका बोलिए, जो भी x के पास होगा उसे हम साइन चेंज करके राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, सो x बाय 2 यहाँ देखिए, x बाय 2 यहाँ रह गया, इज इक्वल टू राइट साइड में 1/8 पहले से था, माइनस का 1/4 आप उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1/4। लेट्स डू दैट, दैट इज 1/4। ठीक है, नाउ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस, सो x बाय 2 विल बी इक्वल टू 8 विल बी एलसीएम, 8 और 4 का एलसीएम क्या आता है 8, सो 8 वन जा 8 1 प्लस 4 2 जा 8, सो 2 विल मल्टीप्लाई बाय 1 तो यू विल गेट 2, सो 2 प्लस 1 इज 3/8, राइट? बट हमारे पास वैल्यू किसकी है, अभी x बाय 2 की, हमें चाहिए क्या, x। ठीक है, सो x के साथ यहाँ डिवाइड में क्या है, 2, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो देखिए x क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई विद 2। ठीक है, सो कैन वी सॉल्व दैट, 3 2 6 अपॉन, नीचे क्या है 8, तो 6/8। कैन वी कट इट विद द टेबल ऑफ 2? यस, सो 2 3 6 2 4 8, तो आपका सॉल्यूशन क्या आया, x इज इक्वल टू 3/4। अब x हमने क्या एज्यूम किया था, नंबर, तो यहाँ पे आपके नंबर की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। अब फाइनली आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द नंबर विल बी x इज इक्वल टू 3/4, दैट्स इट, दिस इज योर सॉल्यूशन पास। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ ट्वाइस मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है क्वेश्चन में, हम वो देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 154 मीटर। क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम
लेट्स एज्यूम ब्रेथ इज एक्स, ब्रेथ को अपन ने एज्यूम कर लिया एक्स। अब देखिए क्या दे रखा है, इट्स लेंथ इज टू मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, लेंथ इज इक्वल टू, देखिए लेंथ क्या होगी टू मोर देन का मतलब ज्यादा, देन ट्वाइस इज ब्रेथ, ब्रेथ की ट्वाइस से टू ज्यादा, ठीक है। तो ब्रेथ कितनी है x, उसका ट्वाइस कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 2, 2x होगा ट्वाइस, उससे भी मोर देन क्या है 2 है, सो 2x प्लस 2 दैट विल बी लेंथ। राइट नाउ व्हाट इज गोइंग टू आस्क, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ पूल। अब इसके अलावा हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, राइट। द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको दे रखी दैट इज द पेरीमीटर, दैट इज 154 मीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला सबको पता होगा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम यहीं से शुरू करेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज लेंथ प्लस ब्रेथ, किसके इक्वल दे रखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 154, राइट। अब हमें लेंथ पता है, मतलब हमने ज्यूम की है लेंथ कितनी है हमारी 2x प्लस 2, और ब्रेथ कितनी ज्यूम की है x, तो हम लेंथ ब्रेथ की वैल्यू रखते हैं और इसको इक्वेशन बनाते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है मेरी 2x प्लस 2, देखिए ट्वाइस क्रॉस x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x प्लस 2, सो लेंथ हो गई 2x प्लस 2, ब्रेथ कितनी है x इज इक्वल टू 154 मीटर। हमने कुछ नहीं किया, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पेरीमीटर के अंदर रख दी। तो लेट्स सॉल्व दिस, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस x, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154, राइट। सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई 2 विद बोथ द टर्म्स, सो 2 विल मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस साइन 2 विल मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 154, राइट। अगेन 3 टू जा 6x प्लस 2 टू जा 4 इज इक्वल टू 154, राइट। नाउ ये अपने पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई, राइट, लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल, ठीक है। अब 6x हमें निकालना क्या है x, तो 6x पहले देखते हैं इसके पास क्या है 4 है, 4 को उस साइड ले जाए, प्लस का 4 उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या बनेगा माइनस का 4, तो लेट्स डू दैट। यहां क्या रह जाएगा 6x इज इक्वल टू, वहां क्या है ऑलरेडी 154, प्लस का 4 उधर जाएगा क्या बनेगा माइनस का 4, तो 6x इज इक्वल टू 150, राइट। सो x इज इक्वल टू 150 अपॉन 6, क्यों, क्योंकि यहाँ 6 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है, हम इन दोनों को 3 की टेबल से कट कर सकते हैं, यस, देखिए कैसे 3 टू जा 6, 3 फाइव जा 15, ठीक है, 3 फाइव जा 15 होता है, और एक जीरो रहेगी तो हमने ऐसे उतार दी। नाउ 50 अपॉन 2 विल गिव यू 25, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 25, x हमने क्या एज्यूम किया था हमारा ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ इज इक्वल टू 25, एंड यू नीड टू जॉट डाउन द यूनिट एज वेल, ठीक है, यूनिट क्या दे रखी है यहाँ पे मीटर, तो 25 मीटर, ठीक है। एंड लेंथ, लेंथ क्या होगी, लेंथ, लेंथ हमने कितनी एज्यूम की थी 2x प्लस 2, ठीक है, देखिए 2x प्लस 2, सिंपली आपको x की वैल्यू रखनी है 2 मल्टीप्लाई बाय x कितना है 25 प्लस 2, सो दैट इज 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52 मीटर।